अमृतसर की रहने वाली जसप्रीत कौर ने एक वड्डा मुकाम हासिल किया है कि जिथे कि मिसिस इंडिया अर्थ दे ओ रनर अप रहे ने तां अज ओ अमृतसर पुजे ने जिथे कि अज असी उन्हां दे जीवन ते झात पावांगे ते नाल ही नाल एक वड्डा मुकाम जिहड़ा मिलिया है उस दी भी चर्चा करांगे। तुसीं देख सकदे हो कि पेशे वजों एक ओ डॉक्टर ने तां उस तों इलावा अपने घर घरेलू समां तों बाद जिहड़ा एक उन्हां ने एक उपलब्धि हासिल कीती है बीते दिनी हरनाज संधू जो कि मिस यूनिवर्स चुनी गई सी तो उस तों बाद कुछ इस तरह की गल्लां सामने आ रही हैं कि पंजाब की लड़कियां हुण अगे वधिया नज़र आ रही ने। तो साडे नाल डॉक्टर मैम मौजूद ने। मैम किस तरह बचपन तो शौक सी और किस तरह क्योंकि कहा जाता कि विआह तो बाद लाइफ काफ़ी बदल जाती है तो क्या तुहाडी जिंदगी कि ऐसा बदलाव आया जिस करके तुसीं इहदे च गए तो की रोल रहा? हाँ जी, सब तो पहला तो सत श्री अकाल जी। एंड तुसीं मैनूं सवाल पुछे इहदा मैनूं बड़ी खुशी है कि मैं इहदा जवाब देवां। शुरू तो मैं अमृतसर ही पली बड़ी हुई, मेरा बचपन इत्थे ही बीतया है सारा। फिर शादी हुई मेरी। कारोबारी मंदी अते होर वित्तीय चुनौतियों नाल जूझ रहे पंजाब दे हजारां व्यापारी अते उद्योगपति वित्तीय साल 2014-15 2015-16 अते 2016-17 विच सरकारी खाते वैट नहीं जमा करवा सके सन। अजिहे विच इन्हां व्यापारियों खिलाफ सरकारी पद्धर ते केस दर्ज किए गए सन जिन्हां कारण व्यापारी वर्ग नाल जुड़े लोग परेशान सन। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने व्यापारियों की इस समस्या नूं समझते हुए वैट के कुल 48,000 केसां विचों 40,000 बकाया केसां नूं मुढ़ों रद्द करन दा ऐलान किया है। जेडे वैट दे झगड़े है 16-17 दे 14-15 दे 15-16 दे बड़े पेंडिंग पे है। 48,000 व्यापारी नूं हर महीने बुला लेंदे अननेसेसरी उते चक्कर ला रहे हैं ते ओ सारे ऐसी उदे जो 40,000 है जेडे उन्हां नूं इस तरह छड रहे कि असी ये झगड़े ही खत्म कर देने असी इत्थे तुहानूं अगे नूं बुलाएगा नहीं। मेरा टैक्सेशन इंस्पैक्टर सारे व्यापारी उस चों असी कढ रहे। सिर्फ 8,000 व्यापारी है जिन्हां दा टैक्स पैके ज़्यादा हो गए हैं उन्हां नूं भी असी कह रहे हैं 1-10 सैटलमेंट कर लो। सरदार चरणजीत चन्नी जी, उन्होंने जो वैट असैसमेंट लै के जो ये फैसला लिया है इन नाल सारा जो इंडस्ट्री है सारा जो बिजनेस है उन्हें मुढ़ली सहायता मिलेगी उतना थोड़ा ईजी हो जाएगा। इस विचों मौजूदा वित्तीय साल दौरान उपरोक्त टैक्स देनदारी का सिर्फ 20% जमा करवाना होगा और बाकी 80% अगले साल तक जमा करवाना होगा। शादी तो बाद शादी तो पहला हाँ तो तुसी ठीक क्या कि जो विआह हो जाता उदो तुहाडी लाइफ चेंज हो जाती है एंड विआह तो पहला तुसी होर हुंदे हो। स्कूलिंग मेरी इत्थे डीवी पब्लिक स्कूल दी है। फिर मैं ग्रेजुएशन अपनी श्री गुरु रामदास डेंटल कॉलेज इत्थे अमृतसर तो ही कीती एंड उस तो बाद मेरी शादी हो गई। शादी तो बाद मैं अपनी फर्दर मास्टर्स जिहड़ी है वह कैरी फॉरवर्ड कीती एंड जिहड़ी हजे मेरी चल रही है। मैं मास्टर्स की डिग्री कर रही हाँ, हजे भी बेटी है मेरी 2 साल की। तो पेशा मेरा डॉक्टर है, मैं डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ कर रही हूँ। जिहड़ा एक क्राउन मेरे सिर पर तुसी देख रहे हो, मैं शुरू तो ही एक उस तरह की लड़की सी कि मैनू वध चढ़ के हर चीज़ हिस्सा लैन का शौक रहा है। मेरा शौक है, मेरा पैशन है, चाहे वह स्कूल सेगा चाहे वह मेरे कोई भी फैमिली इवेंट्स है। मैनू हुंदा सी कि मैं अगे जाके काम करना है, ए भी करना सारा कुछ। फिर जिवें जिवें मेरी जिंदगी अगे वधी गई, मैं अपनी डिग्री कर रही हूँ, फिर मेरे हसबेंड सागर सोपती मेरे नाल ने मैनू ये मौका मिलया कि मैं मिसिज इंडिया अर्थ 2021 एक ब्यूटी पेजेंट है। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू जी मैरिड फीमेल्स है उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मैं इन्होंने डिस्कस किया तो इन्होंने मैनू कहा कि हाँ तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। तो मैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई एंड उस तो बाद मेरा जोड़ा दौर है मिसिज इंडिया अर्थ 2021 का ये जून तो स्टार्ट हो रहा बिकॉज पहला मैं पार्टीसिपेशन सी। फिर मैं करते करते सैमीफाइनल्स पहुंची एंड सैमीफाइनल्स तो मैं फाइनली एक फाइनल राउंड पहुंची जिथे अराउंड 30 पार्टीसिपेंट्स से ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स तो पार्टीसिपेट किया सब ने। उद मैनू काफ़ी राउंड्स का सामना करना पाया जिम्मे इंट्रोडक्शन राउंड, टैलेंट राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड, स्पोर्ट्स राउंड। जरा सब तो ज्यादा टफ सीगा जरा होर भी अपना पंजाब की लड़कियां नू या तुहाडे कंजरी महिलाओं नू कहना चाहोगे ताकि जरा है वह भी उभर के बाहर आ सकन? जी देखो मैनू जरा सवाल पूछा गया सीगा वो ये सीगा कि तुसी तुहाडी जिहड़ी अपनी सब तो वड्डी कमी कि है तो तुसी उहनू पूरा किवें कीता। मेरा यह सवाल सीगा जिहड़ा इंटरव्यू ते इंट्रोडक्शन राउंड जिहड़ा उन्होंने मेरा उत्थे पुछिया उहदे विच उहदे च मैं बखूबी अपनी ये जवाब दिता ते वह बड़े इंप्रैस भी होए सीगे मेरे जवाब तो। जिहड़ा मेरा फाइनल उन्होंने सवाल पुछा सो मेरा एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सीगा, दे गेव मी अ सिचुएशन जिहदा मैनू उस सिचुएशन के मुताबिक ही जवाब देना सीगा ते वह भी मेरा बड़ा अच्छा गया। मैं
वाकई एक चीज़ कहना चाहूँगी जिहड़े भी मैनूं सुन रहे ने, खास करके जिहड़े भी फीमेल्स मैरिड फीमेल्स ने, कि तुसी अपने आप ते भरोसा करना नहीं छड़ना है कभी भी। एक जिहड़ा भरोसा है तुहाडे अपने आप ते, क्योंकि जब तक तुसी खुद ते बिलीव नहीं करोगे नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड बिलीव इन यू। तुहानूं अपने आप ते भरोसा करना बहुत जरूरी है, ताही तुसी कुछ अचीव कर पाओगे, चाहे वह कोई भी फील्ड है, जिस जिथे मर्जी जाओ। एंड प्लस तुहानूं फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट तो बिना तो चलो तुसी नहीं जा सकते हो कितने, बिकॉज यू नीड द आर्मी विद यू। तुहानूं अपने नाल सहयोग चाहिए है, सब का चाहिए है। अजकल देखे समाज दे विच बहुत सारी बंदिशां होंदियां, खास करके असीं देखदे आं तां बंदिशां तो पार पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता किसी वेले, खास करके अगर छोटे शहरां दी गल करिए तां बहुत सारी समस्यावां भी पैदा होंदियां। हाँ जी बिल्कुल, ये गल थोड़ी बड़ी सही है, मैं भी जवाब देना, मैं चाहती सी तुसी मैं इदा तो कुछ सवाल पूछो, क्योंकि मेरी मैं भी एक शादीशुदा बेटी भी हाँ, मैं एक नूँह भी हाँ, मेरी अपनी बेटी है, एक 2 साल की छोटी है, मैं स्टडीज़ भी कर रही हाँ। मैं अपनी लाइफ तो जो हजे तक जिन्ना का एक्सपीरियंस किया, मैं जरूर कहना चाहूँगी कि देर आर एडिड रिस्पोंसिबिलिटीज़, बट तुसी उन्हां सारा नूं ओवरकम कर सकते हो, ये नहीं है कि तुसी नहीं कर सकते, बट तुहानूं वो तुहाडे अंदर वो चीज़ वो जज्बा तुहानूं रखना पएगा कि हाँ मैं ये चीज़ सब करनी है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि एक औरत जिहड़ी है ना वो बहुत कुछ कर सकते। तुसी काम में ये नहीं कहती कि तुसी घर छड़ के तुसी अपना करियर करो या करियर छड़ के कर, तुसी एक बैलेंस बना के चलो। बैलेंस लाइफ के विच होना बहुत जरूरी है, परिवारिक होना भी उन्ना ही जरूरी है जिन्ना तुसी अपने प्रोफेशन नूं अगे लेके जाना चाहते हो। अगर तुसी दोनों चीज़ा बैलेंस करके चलोगे तो इहदे नाल दी रीस किते नहीं है। समाज दे किस वर्ग वास्ते तुसी अगे काम करना चाहोगे? हाँ जी, मैं पेशे वजो मैं एक डेंटिस्ट हाँ, दंदा दी डॉक्टर, हुण मैं अपनी अगे होर पढ़ाई भी कर रही हाँ। उहदे नाल ही नाल मैं NGOs दे नाल ते कुछ इहो जिहे इंस्टीट्यूट्स दे नाल एसोसीएटेड हैगी हाँ, जिहड़े कि सोशल कॉजेज एंड एनवायरमेंटल कॉजेज दे उत्ते वर्क करदे ने। मेरे अपने पिता जी, मेरे फादर साहब, उहनां दी अपनी साडी अपनी NGO है, असीं एनवायरमेंटल इशूज़ दी ऑलरेडी इस शहर दे विच बहुत सारे बूटे ऑलरेडी लगा चुके हाँ। एक तां एनवायरमेंटल इशूज़ ते असीं काम कर रहे हाँ ऑलरेडी, उस तों इलावा कुछ इहो जिहे चिल्ड्रन डिसएबिलिटी इंस्टीट्यूट्स हैगे ने जिहड़े वर्क कर रहे ने। एंड मैं फिर खत्री सभा महिला मंडल अमृतसर डिस्ट्रिक्ट उहदी एग्जीक्यूटिव मैंबर भी हाँ। खास वर्ग दी मैं गल कर रहा, किहदे वास्ते काम करना तुसी थल्ले पसंद करोगे? हाँ जी, मैं एक्चुअली तुसी एक वर्ग पूछ रहे हो, मेरे एक्चुअली सपने या मेरे ड्रीम्स ही इन्ने ज़्यादा ने कि मैं बहुत सारिया चीज़ा करना चाहती हूँ, बिकॉज साड़ी समाजिक कुरीतियाँ अगर आप गल करिए बहुत ज़्यादा ने, जिवें मैं दस रही हूँ तुहानूं, क्योंकि मैं उन्होंने लोगों नाल जुड़ी हाँ जिहड़ी कि वुमेन एम्पावरमेंट की भी गल करते हैं, मैं उन्होंने लोगों नाल भी जुड़ी हाँ जिहड़ी बच्चों की चिल्ड्रन डिसएबिलिटी की गल भी करते हैं, एंड मैं उन्होंने लोगों नाल भी जुड़ी हुई हाँ जिहड़े कि अपने एनवायरमेंटल कॉजेज के नाल भी गल करते। मैं काम करोगे जी? एब्सोल्यूटली, मैं पहला भी कर रही थी, हुण भी करांगी। इहदा मैं तुहानूं जवाब इस तरीके नाल देना पसंद करांगी कि जिहड़े मैं टाइटल्स जीते ने, मैं चाहनी हाँ कि ये मैनू एक एक नाम मैनू परमात्मा ही देने वाले ने सारा कुछ तो, क्योंकि अगर घर बैठे रहो तो तुहानू 10 जने सुन लेंगे, बट अगर तुसी कुछ करके थोड़ा जिहा बाहर आते हो समाज के, अज मैनू अगर 100 लोग सुन रहे, कल शायद 1000 या लखा की तादाद च अगर लोग सुनेंगे, तो मैनू लगता है कि जिहड़े चेंजेस जो काम मैं कर रही हाँ मेरे नाल अगर 100 जन होर होणगे, तो जिहड़ा काम मैं कल्ली कर सकती हाँ वह काम एक वड्डे पद्धर ते हो सकता है। मैं अपने टाइटल्स नू इस तरीके नाल यूज़ करना चाहूँगी कि मैं एक अपने नाल एक इंस्पीरेशन फिगर बन सका किते ना किते, ताकि मैं अपना जिहड़े चेंजेस लैके आना चाहनी हाँ वो मेरे नाल सब अगर काम करेंगे तो एक अच्छे तरीके नाल उभर के वो समाजिक चेंजेस में लेके आ सकती हैं। शुक्रिया। तो ऐसी डॉक्टर जसप्रीत कौर जी नाल गलबात की है, मिस इंडिया अर्थ रनर अप रहे ने, तो हुण उनका मकसद है कि समाज सेवा करना, खास करके पर्यावरण ते होर भी जिहड़ी साडी समाजिक कुरीतियां ने उसनू जिहड़ा है समस्यावां जिहड़ी उन्होंने दूर करांगी, ताकि जिहड़ा है कि मेरा तादी लक्ष्य सही होएगा कि अगर जेकर मैं कोई ताज मिलिया तो उस ताज दे नाल मैं समाज के कुछ सुधार कर सकां। लेकिन फिलहाल अमृतसर वास्ते माण दी गल है कि अमृतसर की डॉक्टर जसप्रीत जिहड़ी ने मिसिज इंडिया अर्थ के रनर अप च पहुंची ने। कैमरामैन अक्षय दे नाल सुमित खन्ना, जगबानी टीवी अमृतसर। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।